So for this third bottle art, हम लोग यूज करेंगे एक्रिलिक कलर्स एंड एक्रिलिक कलर्स में मैं यूज कर रही हूँ ये पर्पल कलर. आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो एंड इसको आपको पूरे को बेस को पेंट करना है. आप फर्स्ट कोट में देख सकते हैं बिल्कुल भी ओपेसिटी नहीं आएगी. सो एटलीस्ट 2 to 3 कोट्स आपको इसके करने हैं. सेकेंड कोट आप तभी करोगे जब फर्स्ट कोट कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, अदरवाइज आपकी इसकी लाइन्स आ जाएंगी एंड ये पूरा ओपेक नहीं हो पाएगा. एंड सेम वे सिंगल डायरेक्शन में ही आपको पूरा इसकी पेंटिंग करनी चाहिए. इफ यू आर गोइंग टू बी डूइंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस यू विल नॉट गेट दैट नीटनेस दैट वन शुड हैव. सो आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक दैट एंड आई विल गिव एटलीस्ट 3 to 4 कोट्स टू मेक इट कम्प्लीटली ओपेक. सो इस बॉटल के हमने 3 कोट्स किए हैं टू मेक इट कम्प्लीटली ओपेक. आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं. इसके ऊपर गोल्डन या सिल्वर बहुत अच्छा लगेगा, दैट इज वॉट आई हैड प्लान्ड. बट वेन आई चेक्ड तो वो जो कलर्स हैं वो सूख चुके हैं. सो आई विल बी यूजिंग व्हाइट एंड येलो ऑन दिस फॉर द पेंटिंग. उससे पहले वी विल डू द डेकोरेशन पार्ट, जिसमें मैं ये एक फोम फ्लावर, कुछ ये स्टोन्स एंड ये जो सूतली होती है, दिस काइंड ऑफ रस्सी जो जिसको हम बोलते हैं, ये यूज करूंगी एंड उसके बाद में वी विल मूव ऑन टू द पेंटिंग पार्ट. पेंट्स के ऊपर आपको कभी भी अगर कुछ स्टिक करना है सो मेक श्योर पेंट पूरा ड्राई होना चाहिए, देन ओनली स्टार्ट स्टिकिंग प्रोसेस. सो इसकी रिम को इस तरह से डेकोरेट करके एक फ्लावर लगाने के बाद में मैं व्हाइट कलर यूज करते हुए इस पे एक ट्री बनाना शुरू करूंगी एंड देन यूजिंग येलो हम उस पे फ्लावर्स बनाएंगे. ये एक्रिलिक कलर्स हैं सो मेक श्योर यू डोंट ऐड वाटर टू देम. यू कैन सी थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी थिक ही है, मैंने इसको बहुत ज्यादा थिन नहीं किया है. इवन इफ यू वॉन्ट टू ऐड यू कैन ऐड मीडियम टू इट. सो इसमें ही आप देख सकते हो मैंने एक ट्री क्रिएट किया है. ब्रांचेस में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यू विल सी दे आर पॉइंटेड एट द एंड एंड थिक. आई विल जस्ट वेट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स एंड इसके ऊपर एक कोट और मैं करूंगी ताकि ये लाइंस थोड़ी सी कम सूट डाउन हो जाए. दो वील ट्राई टू मेक इट एज नेचुरल एज पॉसिबल. उसके बाद में हम इसके ऊपर सिंपल फ्री हैंड येलो फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे. सो ये व्हाइट की कोट्स के बाद में मैंने व्हाइट के अंदर ही थोड़ा येलो मिक्स कर लिया है सो दैट थोड़े से डबल स्ट्रोक्स आएंगे इसके अंदर एंड वील ट्राई टू क्रिएट सम फ्लावर्स या फिर आप नॉर्मल फिगर्स बना सकते हो, दैट इज अप टू यू. आप जिस भी तरीके का बनाना चाहते हो प्रॉपर आप फ्लावर्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. मैं पहले इसको इसी तरीके से बिगिन कर रही हूँ जस्ट बाय मेकिंग सम लाइंस बाय द फ्लैट ब्रश. ये आप देख सकते हो सिंपल लाइंस बनाने से भी कितना सुंदर फ्लावर बन रहा है. यू कैन मेक सच लवली फ्लावर्स सिंपल डिजाइंस. व्हेन यू आर वर्किंग विद अ बॉटल मेक श्योर कि आप उसको बीच से ही पकड़े, अदरवाइज आपका डिजाइन खराब हो जाएगा. So, इस तरीके से हमने फ्लावर्स बनाए हैं. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग अ थिन ब्रश. टू क्रिएट अ लिटिल डिफरेंट इफेक्ट. ये आप डॉट आर्ट से भी कर सकते हैं बट अगर आप ईयरबड से करेंगे तो इतने सुंदर और छोटे पतले फ्लावर्स नहीं बन पाएंगे जो बहुत पतले से ब्रश से आप इजीली बना सकते हो. इसको आप डिफरेंट कलर्स का भी बना सकते हैं. आई एम यूजिंग जस्ट येलो कलर क्योंकि येलो लुक्स गुड ऑन पर्पल.
सो ये आप देख सकते हो, वी हैव मेड इट लाइक दिस। इस पे हमने अलग अलग फ्लावर्स बना लिए हैं। इसको मैंने व्हाइट रखा है, आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अब इसके अंदर मैं सिर्फ एक दो स्टोन स्टिक करूंगी, आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट आई वुड वॉन्ट टू।